हेलो दोस्तों, री ड्राइवर चैनल के एक और नए वीडियो में आप लोगों को फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे टाटा इंट्रा V10 BS6 मॉडल के गाड़ी के बारे में। पहले हम बात करेंगे इस गाड़ी के प्राइस के बारे में, उसके बाद इंजन के बारे में और उसके बाद स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस गाड़ी के प्राइस की बात करें तो दिल्ली में इस गाड़ी की एक्स शोरूम प्राइस है 6,84,000 से लेके 7,06,000 तक। इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस अलग अलग स्टेट में अलग अलग है। इस गाड़ी के प्राइस जानने के लिए अपने अपने नज़दीकी डीलर में जाके इस गाड़ी की एक्चुअल प्राइस जान ले। अभी हम बात करेंगे इस गाड़ी के इंजन के बारे में। इस गाड़ी के इंजन की बात करें तो इस गाड़ी में 0.8 लीटर DI कॉमन रेल SCR टेक्नोलॉजी के BS6 इंजन दिया गया है। इस गाड़ी के इंजन के सिलेंडर की बात करें तो दो सिलेंडर में 798 cc की है। इस गाड़ी के पावर की बात करें तो 44 HP की पावर है, जो कि 3750 RPM की पावर प्रोड्यूस करता है। इस गाड़ी की टॉर्क की बात करें तो 110 Nm की टॉर्क है, जो कि 1750 से लेके 2500 RPM की पावर प्रोड्यूस करता है, जिससे इस गाड़ी की ज़्यादा लोडिंग करने की शक्ति आ जाती है। इस गाड़ी की स्पीड की बात करें तो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार इस गाड़ी की स्पीड 80 km/h दिया गया है। इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करें तो इस गाड़ी में इंटीरियर में म्यूजिक सिस्टम, बोतल होल्डिंग, डैशबोर्ड और डॉक्यूमेंट होल्डिंग, मोबाइल चार्जर और AC भी दिया गया है, जो कि ऑप्शनेबल है। इस गाड़ी के इंटीरियर की स्पेस की बात करें तो अन्य गाड़ी के मुकाबले इस गाड़ी की इंटीरियर में स्पेस बहुत ही ज़्यादा है। इस गाड़ी के स्टीयरिंग की बात करें तो इस गाड़ी में पावर स्टीयरिंग दिया गया है, जिससे ड्राइवर को दूरी जाने के लिए सुविधा मिलती है। इस गाड़ी में इको मोड सिस्टम दिया गया है, जिससे आप उस स्विच को ऑन करने से आपकी तेल की बचत होती है। इस गाड़ी के सीट की बात करें तो इस गाड़ी में ड्राइवर प्लस को ड्राइवर का सीट दिया गया है और ड्राइवर के हाई हीट का सुविधा भी कर दिया गया है। इस गाड़ी के गियर की बात करें तो केबल शिफ्टिंग गियर, जो कि 5 front and 1 back में दिया गया है। इस गाड़ी की ग्रेडेबिलिटी 43% दिया गया है, जिससे इस गाड़ी को चराई लांगने में बहुत ही सुविधा और आरामदायक होता है। इस गाड़ी की लोड बॉडी की बात करें तो इस गाड़ी में 8.2 फीट और 5.3 फीट की लोड बॉडी दिया गया है, जिससे इसमें ज़्यादा सामान भरने की सुविधा मिलती है। इस गाड़ी के पेलोड की बात करें तो इस गाड़ी में 1 ton की पेलोड कैपेसिटी दिया गया है। इस गाड़ी की डीजल टैंक की बात करें तो 30 लीटर की डीजल टैंक दिया गया है और DEF की बात करें तो 10 लीटर की DEF कैपेसिटी दिया गया है। इस गाड़ी के क्लच की बात करें तो सिंगल प्लेट ड्राई क्लच 190 mm दिया गया है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छे लगे तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दीजिए। इस गाड़ी की वारंटी की बात करें तो 2 साल या 72,000 km की वारंटी दिया गया है। इस गाड़ी की जो जो काम में यूज़ करता है वो सब है ग्रोसरी क्लीनिंग, कुरियर, वेजिटेबल, वाटर सप्लाई, मिल्क वैन, कंपनी यूज, हार्डवेयर, फिश बॉक्स क्लीनिंग, कोल्ड ड्रिंक्स क्लीनिंग, FMCG क्लीनिंग, मेडिसिन एक्सेट्रा एक्सेट्रा में यूज़ कर सकते हैं।